हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? घरेलू नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक हर्बल टॉनिक के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका कि नाम है अमृत धारा। दोस्तों, ये टॉनिक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है और मार्केट में ये 6 ml के पैकेट में मिलती है। दोस्तों, हालांकि ये शीशी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके कमाल के बारे में आप जानोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। दोस्तों, आप इसकी छोटी सी शीशी पे मत जाना, आप बहुत कमाल की चीज़ है ये अमृत धारा। दोस्तों, अमृत धारा देसी कपूर, अजवाइन के फूल और पुदीना के फूल से बनती है। अगर ये तीनों एक साथ मिला लिया जाए तो ये लिक्विड बन जाता है और इसको अपन कहते हैं अमृत धारा। देसी कपूर, अजवाइन के फूल और पुदीने के फूल के साथ साथ इसमें लौह भस्म और नीलगिरी का तेल भी मिलाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अमृत धारा के कुछ फायदे। अमृत धारा का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि अगर आपको खांसी, दमा या टीबी जैसी कोई शिकायत है तो बिल्कुल इसकी बूंदें आप ठंडे पानी में 3 या 4 बूंद अगर आप अमृत धारा की लें सुबह शाम, तो आपके कफ, कोल्ड, खांसी, दमा, टीबी से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, तो 2-3 बूंद आप लेकर अगर जहाँ आपके दांतों में दर्द है वहाँ लगाते हैं, जहाँ आपके मसूड़ों में अगर सूजन आ गई है वहाँ अगर आप इस अमृत धारा की बूंदों से हल्की हल्की अंगुली से मसाज करोगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, गर्मियों में अपन को लू लग जाती है, अपन को हैजा हो जाता है, तो आप प्याज के रस में अमृत धारा की 2-3 बूंदें मिलाकर इसको अगर आप चाटते हैं तो बिल्कुल आपका हैजा से आपको निजात मिल जाएगा। और अगर आपके पेट में गैस बन रही है, बदहजमी है, तो आप अमृत धारा की 2-3 बूंदें पानी के साथ अगर लेते हैं तो आपके पेट में गैस की भी शिकायत दूर हो जाएगी। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप 2-3 बूंद माथे पर लगाइए और हल्की सी मसाज कीजिए, आपके सर का दर्द भी चला जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी खाज खुजली है, अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज है, तो नीम के तेल में 3-4 बूंद अमृत धारा की मिलाकर अगर आप जहाँ आपके खुजली है वहाँ इस मिश्रण को, इस तेल को लगाते हैं तो वो भी आपकी खुजली भी आपके शरीर से दूर चली जाएगी। अगर आपको हिचकी आ रही है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि हिचकी आती है तो रुकने का नाम भी नहीं लेती, तो आप आधे गिलास पानी में 2-3 अमृत धारा की बूंदें मिलाकर आप ले सकते हैं। हाथों हाथ 5 मिनट में आपको हिचकी से राहत मिल जाएगी। अगर आपको किसी तते ने, बोरे ने, मधुमक्खी ने काट लिया हो, किसी कीड़े ने काट लिया हो, उस जगह पर आप अमृत धारा के 2-3 अगर आप बूंदे लगाते हैं तो आपका होने वाला दर्द मिट जाएगा और जो इस कीड़े के काटने से जो विष अंदर फैला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में कोई पेन है, कोई दर्द है, तो आप वैसलीन में 2-3 अमृत धारा की बूंद भी मिला सकते हैं और आप जहाँ दर्द है उस हिस्से पर लगाएंगे तो भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, छोटी सी शीशी है लेकिन इसके काम मैंने इतने सारे बताए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हालांकि इसका कोई भी रेट ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये का ये पैकेट है जो कि आपको घर पे ज़रूर रखना चाहिए। अमृत धारा वास्तव में अमृत के समान है। छोटी सी है शीशी लेकिन इसके काम खूब सारे हैं। आपके दांतों के दर्द में, आपके हैजे में, आपके सर दर्द में,
आपके दांत और खुजली में, आपकी हिचकी में अगर आपको कोई कीड़ा काट जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अनेक अमृत धारा के फ़ायदे। तो घरेलू नुस्खों के चैनल में आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।